हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्मार्ट में। दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमको नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सैमसंग के फ़ोन में यदि मान लीजिए आपका अचानक कोई हैंगिंग प्रॉब्लम हो गया, जैसे अचानक आपका टच काम करना बंद कर दिया, आपका डिस्प्ले पर फिगर आना बंद कर दिया, या अचानक आपका माइक स्पीकर रिंगर काम करना बंद कर दिया है। तो दोस्तों, ऐसे में आप क्या करोगे दोस्तों? तो ऐसे में इस ट्रिक को एक बार जरूर इस्तेमाल कीजिए दोस्तों, हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम बिना पैसे दिए ही सॉल्व हो जाए दोस्तों। तो ऐसा ट्रिक जो है इस्तेमाल करने में आपका कोई पैसा नहीं लगेगा दोस्तों। तो ऐसे में क्या करना है, आपको एक बार अपने फ़ोन को रिबूट और रिस्टार्ट करना है। और अपने फ़ोन को रिबूट और रिस्टार्ट कैसे करोगे, मान लीजिए आपके डिस्प्ले पर नहीं दिखाई देता या टच आपका नहीं काम करता, कहीं भी आप टच करोगे तो टच नहीं होगा, तो ऐसे में फ़ोन आप कैसे रिबूट और रिस्टार्ट करोगे दोस्तों? तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको वॉल्यूम डाउन बटन और जो है पावर बटन, दोनों बटन को आपको एक साथ प्रेस करना है लगभग 10 से 15 सेकंड या 20 सेकंड तक, जब तक फ़ोन आपका रिबूट ना हो जाए, रिस्टार्ट ना हो जाए। तब तक आपको क्या करना है, आपको वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों बटन को आपको एक साथ प्रेस करके रखना है, तब आपका जो है आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रिबूट और रिस्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ये मतलब पहला ट्रिक है, और आपको दूसरा सेटिंग भी इसमें बताऊँगा दोस्तों, आपको टॉल बैक के बारे में भी बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, मान लीजिए आपका अचानक जो है डिस्प्ले का फिगर गायब हो गया है, या अचानक आपका टच काम करना बंद कर दिया है, या आपका स्पीकर रिंगर माइक काम करना बंद कर दिया है। तो ऐसे में आप अपने फ़ोन को एक बार रिबूट करके ज़रूर देख लीजिए, और रिबूट करने के लिए आपको क्या करना है, वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों बटन को आपको 10 से 20 सेकंड तक प्रेस करके रखना है, तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रिबूट और स्टार्ट हो जाएगा, और आपका हैंगिंग प्रॉब्लम रहेगा तो 100% आपका काम करना शुरू कर देगा। और ऐसा प्रॉब्लम अधिकतर उस सेट में आता है जिसमें फोल्डर चेंज होता है, फोल्डर चेंज होता है उसमें ऐसा प्रॉब्लम अधिकतर आता है दोस्तों, कि अचानक जो है डिस्प्ले गायब हो जाता है, या अचानक टच काम करना बंद कर देता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है माइक स्पीकर रिंगर अचानक तीनों एक साथ काम करना बंद कर देता है। तो आप अपने फ़ोन को एक बार रिबूट करके ज़रूर देख लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमने रिबूट किया तो हमारा फ़ोन जो है स्टार्ट हो गया। इस प्रकार से आप जो है अपने फ़ोन को एक बार रिबूट और स्टार्ट करके ज़रूर देख लेना दोस्तों, आपका जो है हैंगिंग प्रॉब्लम कोई भी रहेगा तो आपका जो है 100% काम करेगा दोस्तों। आपका मान लीजिए टच हैंग रहेगा तो टच आपका सही हो जाएगा, आपका डिस्प्ले हैंग रहेगा तो डिस्प्ले आ जाएगा दोस्तों। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे फ़ोन मतलब लगता है और कुछ भी काम नहीं करता, डिस्प्ले पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो इसे में आप एक बार फोन अपने फ़ोन को रिबूट और स्टार्ट करके ज़रूर देख लीजिए दोस्तों। और आपको हम अब दूसरे सेटिंग के बारे में बताऊँ दोस्तों, मान लीजिए आपके मोबाइल में टॉल बैक इनेबल हो गया है, आप कहीं भी टच करते हैं तो इस तरीके से नीला रंग का पट्टी बनता है, और बोलने से मोबाइल के जो है बोलने से आवाज़ आती है दोस्तों। तो इस प्रकार से यदि आपके मोबाइल में प्रॉब्लम हो गई तो घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों। ऐसा प्रॉब्लम ठीक करने के लिए आपको दोस्तों क्या करना है, किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए आपको डबल प्रेस करना है, और ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के लिए आपको दोस्तों डबल फिंगर का प्रयोग करना है, तभी आप इसे जो है कर पाओगे। तो इस प्रकार से आप स्वीप करके अपना मोबाइल का लॉक खोल लीजिए, और लॉक खोलने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। तो सेटिंग पे जैसे एक बार क्लिक करोगे तो वहाँ पे नीले रंग का आइकन बनेगा, और आपको डबल प्रेस करोगे तो ये ओके हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको डबल प्रेस करना है, तो चलिए यहाँ पे आप जो है डबल प्रेस करके जो है सेटिंग को ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे हम डबल प्रेस करेंगे, उसके बाद सेटिंग को ओपन कर लेंगे। अब ध्यान देना दोस्तों, आप सिंगल फिंगर से ऊपर नीचे करोगे तो नहीं होगा, आपको डबल फिंगर से ऊपर नीचे करना है, तभी आप मतलब आपका काम करेगा। तो इस प्रकार से आप थोड़ा नीचे मतलब जाएंगे, आपको नीचे जाना है, थोड़ा और नीचे जाना है। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, आपको मिल जाएगा एक्सेबिलिटी का ऑप्शन, एक्सेबिलिटी पे एक बार क्लिक करोगे तो सेलेक्ट हो जाएगा, आपको यहाँ पे डबल प्रेस करना है तो ये ओके हो जाएगा। डबल प्रेस करके इसको ओके कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आपको टॉल बैक का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे टॉल बैक पर एक बार क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना, और डबल प्रेस करके जो है इसको ओके कर लेना। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए ऑन है, तो यहाँ से जो है इसको ऑफ करेंगे तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है टर्न ऑफ का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे टर्न ऑफ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डबल प्रेस कर देना है, तो हमारा जो है ये टर्न ऑफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है अपने मोबाइल का बहुत ही आसान तरीके से टॉल बैक डिस्प्ले कर सकते हैं दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं कभी।